Ali's son, Muhammad जब हमारे पास कुरान और हदीस है तो फिर में क्यों बटे है इसका जवाब अल्लाह सुबहाना ताला देते हैं, सुल इमरान में सोना तीन आयत एक सौ तीन में वा तीम जम तफर को कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो अल्लाह की रस्सी क्या है अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस अल्लाह हैं कि कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो अल्लाह ताला तरमाते ताला अनाम में शुरू नंबर छह आयत नंबर एक सौ उनसठ में कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है या अल्लाह के रसूल तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं अल्लाह सुबहाना व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है फिरके बनाना इस्लाम में हराम है लेकिन अफसोस की बात है हम माशरे में देखते हैं सारे दुनिया में कि मुसलमान कई फिरकों में बढ़े हैं, हम जब पूछते मुसलमान से चाहे तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूँ कोई कहेंगा मैं शाफी हूँ कोई हम्बली कोई मलकी कोई देवबंदी कोई बरेवली अल्लाह के रसूल क्या थे हनफी थे शाफी थे हमबली थे मलकी थे देवबंदी थे बरेवली थे क्या थे अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे अल्लाह ताली फरमाता है कुरान मजीद में सुल इमरान सुलह नंबर आयत नंबर चौपन में ईसा सलाम वो मुस्लिम थे अल्लाह ताली फरमाते सल्ला इमरान में सोलह नंबर तीन आयत नंबर सेवन में इब्राहिम मुस्लिम थे और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को ख़त्म किया वो सूर फुसरत की थी। 41, आयत सूर इकतास आयत नंबर तैतीसन ममन मुस्लिम वो शख्स सबसे बेहतर है वह शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है अच्छे आमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने गुरु बनाते हैं हम अगर देखते हैं ये चारों एम इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम अहमद इबनि हम्बल इमाम मलिक अल्लाह की रहमत सब पे हो मैं चारों एम की इज्जत करता हूँ बड़े आलिम थे बड़े उलमा थे इज्जत करता हूं चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है मेरे फतवे को दीवार पर मारो ये चारों अहम जब फतवे दिए उनने अपने थैकी के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है मेरे फतवे को मत मानो अब हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए इमाम शाफी शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए इमाम मलिक एक मलकी मसल बनाने के लिए नहीं आए इमाम अहमद इबन हम्बल एक हमली मसल बनाने के लिए नहीं आए उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक फतवा मिलता है जो इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वजू टूट जाती है जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूं वहाँ पता लगता है महमद्स ने वजू में थे अपने हजरत आयशा को छुआ उनकी वज़ू नहीं टूटी अबू दाऊद में भी है तो यह पता लगता है मुझे कि सही हदीस के हिसाब से जब इंसान वजू में है तो उसकी वजू नहीं टूटती तो मैं कहूं कि मेरी वजू अगर खुवात का हाथ लगता है तो वजू नहीं टूटती तो मैं कहता हूं कि मैं पक्का शाफी हूं सौ फीसद बाकी लोग कच्चे शाफी है अस्सी फीसद शाफी है क्योंकि इमाम शाफी ने कहा था आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है मेरे फतवे को दीवार पे मारो तो मैंने इस इमाम शाफी के फतवे को दीवार पे मारा तो पक्का शाफी हुआ कि नहीं मेरी वजू नहीं टूटती इसलिए मैं पक्का शाफी हूं जो आम लोग अपने आप को शाफी कहते हैं वो कच्चे हैं अस्सी फीसद सत्तर फीसद मैं अपने आप को पक्का शाफी कहता हूँ अब कि नमाज के वक्त के आखिर में आमीन जोर के बोलने की नहीं है सही बुखारी की बोलिए कई हदी से आपका अमीन अगर फरिश्ते आमीन से मिलेगा तो आपके गुनाह माफ होंगी नाजरीन मुसलमान पर दुनिया में कोई भी हुकूमत नहीं कर पाता अगर ये फिर वारियत खत्म होती तो खैर मुसलमो ने हमेशा मुसलमानों के दरमियान यही कमजोरी ढूंढ रखी है की फिर की बुनियाद पर इनके दिलों में नफ़रत पैदा किए जाए बस एक हकीकत को पीछे रख कर इंसानों की बनाए हुए नाम नहाद फिर है उसको लेकर चलते हैं हमेशा हम कहते हैं कि ये सुन्नी है ये अहल हदीस है और ये बरेलवी है लेकिन ये नहीं कहते की ये सब मुसलमान है और ऊपर से अगर बात की जाए शिया फिर की तो उनमें खुद भी बहुत से मुख्तलिफ नजरिए वाले लोग मौजूद है जिस तरह के वीडियो के शुरू में हमने आपको दिखाया कि एक शिया लड़की सुन्नी को ये कहती है कि अली अन्हों के बेटे को सुन्नी ने शहीद किया है अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन को आलाम दिया है वो सहाबाते लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं के हम दीगर साहबा से मुंह मोड़ ले और उनको कमतर समझे नोजुबिल्ला वही सच्चा मुसलमान है जो कि तमाम सहाबा ताला रज्ला को कदर की निगाह से देखे और उनका एहतराम करे अल्लाह तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए आमीन तो मैं आमीन सूर्य फातिया के बाद जोर से बोलता हूँ मैं अपने आप को पक्का हनफी कहता हूँ क्योंकि अबू हनीफा ने कहा था आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टकराता है मेरे फतवे को छोड़ो मैं उनके फतवे को छोड़ दिया पक्का हनफी हूँ ना मैं तो अमली तौर पे मैं पक्का शाफी हूँ पक्का हमली हूं पक्का, पक्का मलकी हूं और पक्का हमली भी हूँ हमें इस्लाम को फॉलो करने के लिए चाहे देवबंद हो बरेवली हो कोई भी जमात हो हमें देखना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तहकीक करना चाहिए हमें उस में तहकीक में अगर मिलता है हक़ की बात उसके ऊपर अमल करना चाहिए लोग अगर कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अहले हदीस है मिसाल के तौर पर जमात अहले हदीस है मैं कहता हूं कि मैं सब हदीस पे अमल नहीं करता हूं सिर्फ सही हदीस पे अमल करता हूं मैं अपने आप को अहले सही हदीस कहता हूं हदीस ज़ईफ़ भी है मौजू भी है सही भी है मैं जानता हूं अहले हदीस भी सही हदीस पे अमल करते हैं लेकिन अगर मैं अपने आप को कहूंगा तो मैं कहूँगा मैं अहले सही हदीस हूँ क्योंकि मैं पक्का कुरान और सही हदीस पे अमल करता हूँ ज़ईफ़ हदीस पे नहीं सही हदीस पे अमल करता हूँ अगर कोई अपने आप को कहना चाहता है अल्लाह ने अपने आप को कहा कि अपना लकब दो मुस्लिम तो इसीलिए लकब में अपने आप को सिर्फ मुस्लिम देता हूं और कौन सा भी नहीं अमली तौर पर पक्का हनफियो पक्का शाफी पक्का मलकी पक्का हमली पक्का एहदीस लकब से मैं अपने आप को मुस्लिम कहता हूं क्योंकि अल्लाह तला फरमाते सुर हज में सुर नंबर बाईस आयत नंबर सेवन एट में अल्लाह तला फरमाते इब्राह्म से कि हमने आपका नाम रखा मुस्लिम उससे अच्छा अल्फाज है ही नहीं हम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं वो अनफी वो शाफी वो हमल की झगड़ा झगड़ा किस बात का हमें अमल करना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कोई भी दुनिया में कोई भी शेख हो कोई भी फतवा दे रहा हूं आप उससे पूछिए कुल हाथो बुरहानकुम आपका बुरहान पेश करो ये कुरान की आयत है सुर बकर दो आयत नंबर एक में अगर उनका बुरहान कुरान और हदीस से मिलता है उस शेख की बात मानो नहीं मिलता फेंक दो मैं जो कहता हूं इस्लाम में जाकिर जो इस्लाम में कहता है वो जीरो है जीरो कोई अहमियत नहीं रखता इसीलिए मैं जब भी जवाब देता हूं कुरान और हदीस का हवाला देता हूं मेरी अहमियत इस्लाम में जीरो है कुछ नहीं सुनिए जीरो इसीलिए मैं जब भी जवाब देता हूं कुरान और हदीस का हवाला देता हूं अल्लाह जो कहता है अल्लाह के रसूल जो कहते हैं साहबा जो कहते हैं उसकी अहमियत है कोई भी आलिम दुनिया में आज की तारीख में कितना भी बड़ा शेखों दो अफसोस की बात है लोग फतवे देते लेकिन हवाला नहीं देते आपका सबूत क्या है पूछो पूछो हवाला कुछ लोग कहेंगे अरे मुझसे हवाला पूछते हैं शैतानी सवाल जवाब नहीं पता तो बोलते शैतानी सवाल हमें अमल करना चाहिए अल्लाह अल्लाह और अल्ला के रसूल पे उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साकिर नाइक के इस बयान से आप जरूर मुतमिन हुए होंगे वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसी तरह के मजीद ईमान अफरोज वीडियो के लिए दीन स्पीचेस जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज